आगे सभी को स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, वीडियो होने वाली है बिग बॉस के रिगार्डिंग। बिग बॉस जैसे कि अभी ओटीटी सीजन 2 चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये जो लाल कलर का नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, इस पे जाके जो नए लोग हैं जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा लें कि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा आपके एक लाइक से, क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रखा हूँ सभी चीजों को लेके, तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं भाई बिग बॉस में। जैसे कि अभी जो चल रहा है बिग बॉस में, तो हमारी कम्युनिटी से दो लोग आए हुए हैं, फुकरा इंसान और एलवी शारा। फुकरा इंसान को मैं जानता हूँ, मतलब इतना नहीं जानता, 4-5 वीडियो मैंने देखी है भाई की। और एलवी शारा को तो मैं शुरू से देखता हूँ, एक एक वीडियो मैंने पूछ लो कि कौन सी वीडियो में क्या सीन है, मेरे को याद होगा। मैं भाई को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मतलब 2016-17 से ही मैं देखता हूँ आ रहा हूँ भाई। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है भाई से, बहुत ज्यादा प्यार है भाई की। देसी लैंग्वेज तो मेरी दिल को इतनी ज्यादा छूई है ना कि मैं तभी से उनका फैन हो गया हूँ। ये सारी चीजें तो साइड में रख के बात करते हैं बिग बॉस का। तो उसमें अभी लोग रह रहे हैं, किसी ना किसी सदस्य के फैमिली मेंबर आने थे, तो सभी के फैमिली मेंबर्स आए। और मैं बात करूंगा 1 अगस्त को, जो सबसे पहले जिया की मम्मी आई थी। और भाई मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि जिया की मम्मी आई और वहां लोगों ने पूछा कि आप क्या पियेंगे, पानी लेंगे या क्या लेंगे। तो जिया की मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया, जिया नाम है ना, हाँ, तो जिया की मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया कि पानी पियूंगी बट एलविश के हाथ से। तो ये जो सीन था वो सारा सीन किस चीज पे डिपेंड था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि एलविश के हाथ से पियूंगी। तो आपको याद होगा कि एलविश यादव को जिया ने पानी में, मतलब वो जो विम होता है बर्तन धोने वाला, उसको वो मिला के पिला दिया था। यही वजह थी कि जिया की मम्मी ने उसको एलविश यादव को बोला कि पानी में एलविश यादव के हाथ से पियूंगी। तो देख रहे हो सल्यूट है भाई। जिया की मम्मी ने एक चीज और बोली थी जिया को कि तेरे को यहाँ पे कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट पॉइंट था फुकरा इंसान को, जो आप देखते हो बिग बॉस में, जो है कि बिग बॉस जबरदस्ती जिया और अभिषेक की एक कपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा। फुकरा इंसान भी नहीं चाहता इस चीज को, बट जिया की तरफ से लगता है कि वो ऐसा चाहती है। बट फुकरा इंसान इस चीज के लिए मुझे क्लियर लगता है, जो फुकरा इंसान की मम्मी आई थी उन्होंने भी ये बोला था कि बहुत गलत दिख रहा है बाहर, तो थोड़ा समझ के, तो इस चीज को समझ चुका है फुकरा इंसान। और यही चीज बोल के गया था थगेश, जो थगेश जानते हो आप लोग, थगेश भी यही चीज बोल के गया था कि तू जिया से दूर रहे, तो वो इसीलिए बोल के गया था क्योंकि भाई वो उसका यूज करती है। और फिर आप बात करते हैं जो दूसरे मैम आए थे, मतलब तो आए थे वो महेश भट्ट साहब। और महेश भट्ट साहब जैसे सब जानते बहुत बड़ी हस्ती है भाई, वो पूजा भट्ट के पिताजी हैं। और काफी सारी चीजें भाई न्यूज आ रही थी, आप लोगों ने सुन ली होगी। कहना क्या चाहते हो? तो छोड़ो मैं उसकी बात नहीं करता, बात करता हूँ खाली बिग बॉस में महेश भट्ट साहब आए, उन्होंने क्या बोला और मैं क्या बोला ये मैं बात करूंगा। सिर्फ फुकरा इंसान और एलवी शारा की बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी और की बातें कवर नहीं करने वाला। मैं अपने दोनों भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उन्हीं की ही बात करूंगा। बायस समझ लो इस चीज के लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। फुकरा इंसान के लिए महेश भट्ट साहब ने क्या बोला, नारियल होगा आप लोगों ने देखा है, और नारियल के ऊपर एक कवर होती है हार्ड, और जो उसके अंदर सॉफ्टनेस होता है, यानी कि जो चीज हम खाते हैं वो है अभिषेक, यानी कि फुकरा इंसान हमारा। तो महेश भट्ट साहब ने उसके लिए ये चीज बोली थी और एलवी शारा के लिए ये चीज बोली। वो चीज एलवी शारा को किस लिए बोली, क्योंकि वीकेंड का बार हुआ था तो आपने देखा एलवी शारा रोया था, वो रोने की वजह थी, छोड़ो जो भी वजह थी छोड़ो, याद नहीं करना चाहता, जो चीज बीत गई उस चीज को भी याद नहीं करना चाहते कि वीकेंड के बारे में क्या हुआ था एलवी शारा के साथ। जो चीज बीत गई वो बीत गई, उस पर मट्टी डालो। तो महेश भट्ट साहब बोलते हैं कि पिंजरा अपने फैन बेस का भी होता है, जो एलवी शारा का फैन बेस है, मैं भी मतलब उनका फैन हूँ, तो मैं भी उस पिंजरे में हूँ। तो उस पिंजरे में क्या है कि आप मतलब अपने दिल की बात नहीं कर सकते, और जो फैन को दिखाना चाहते हो बस सिर्फ वही बात करते हो। ये बात सच में भाई ने बहुत सही बोली, अपनी पर्सनल लाइफ कोई भी अगर डिस्कस नहीं करता इस वीडियो में, ब्लॉगिंग वगैरह में भी कोई अपनी पर्सनल लाइफ, इतनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करता, बस आपको कंटेंट देने के लिए ये सारी चीजें लोग दिखाते हैं। तो ये बात मुझे महेश भट्ट साहब की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और कुछ बहुत सारे ट्वीट इधर उधर घूम रहे हैं महेश भट्ट साहब को लेके, कि जो उनकी इमेज एक बनी हुई है कि वो गर्ल्स के लिए ऐसे टच कर रहे थे, गर्ल मनीषा को भी ऐसे टच कर रहे थे, ये सारी चीजें ट्विटर वगैरह पे चल रही है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है भाई, बहुत अच्छे समझा के गए। और पूजा भट्ट जी भी उनसे भी प्रेरित है, उन्होंने ऐसे बोला कि मैं अपने पापा से बहुत कुछ सीखी हूँ। वो पुरानी बात हो गई कि पूजा भट्ट को लेके ये था, मुकेश भट्ट साहब ने बोला था मेरी बेटी ना होती मैं उनसे शादी कर लेता, और
उमेश्वर साहब के लिए भी, उन्होंने दो शादी करी है, दूसरी शादी का हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाया था, तो छोड़ो इस बात पे पॉइंट डालते। अब आप आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग था। सच बताऊं मैंने लाइव देखा, मैं वेट कर रहा था, मैं जॉब पर था, मैं फिल्म भाई लाइव देख रहा था वो सारी चीज, तो मैं इंतजार कर रहा था सच में कि अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, मैं इंतजार कर रहा था। एलविश यादव भी इंतजार कर रहा था भाई मेरा कि मम्मी आएंगी, मम्मी आएंगी, मम्मी आएंगी, बट एलविश यादव की फैमिली से आया कौन, एलविश यादव के पापा। और मैंने भी नहीं सोचा कि अंकल आएंगे, क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं सोचा था कि मैं एलविश यादव भाई के ब्लॉग देखता हूँ तो अंकल कैमरे के सामने बहुत शाय, बहुत ज्यादा शर्माते हैं, ये बात एलविश यादव फिर भी होगी। और मेरे को भी लग रहा था कि वो नहीं आएंगे, तो होपफुली मेरे को लग भी रहा था कि चलो आंटी नहीं आएंगी तो कटारिया आएगा, बट कटारिया नहीं आया, अंकल आए। और एलविश यादव ने हक करा अंकल को और रोया, और फिर फुकरा इंसान भी वहां खड़ा था, अंकल ने बुलाया फुकरा इंसान को, आ जा बेटा तू भी आ जा। फिर फुकरा इंसान एलविश यादव को थोड़ी देर हक करके रहे, और फिर हक करने के बाद सब परिवार से मिले, और जो कन्वर्सेशन अंकल और एलविश यादव के बीच हुई, यानी कि एलविश यादव के फादर और एलविश के बीच हुई, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एलविश यादव अपने बार बार अपने पिता से पूछ रहे थे कि बाहर कैसा चल रहा है, सब ठीक है, तो अंकल ने इस बात को डिनाई करके बोला कि तू बाहर की चिंता क्यों कर रहा है, तू घर पे रहे, अंदर ध्यान दे, अपना गेम खेल बस। तो फिर एलविश यादव बोलता है अंकल को कि अरे आप बता सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं बता सकते, बट अंकल ने बहुत अच्छे से गेम खेला, उन्होंने नियम को फॉलो करा कि बाहर की बातें नहीं करनी, तो अंकल ने नहीं करी। अंकल ने एलविश यादव से एक बात और बोली कि तू बाहर की चिंता क्यों कर रहा है, तेरा पिता भी जिंदा है ना। ओ भाई सच में अंकल को संदेह प्रभाव में अंकल को ये बात अंकल ने बोली, सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये बात अंकल की। पूरी एलविश यादव बोला तो एक बार बता तो दो, तो अंकल जी ने थोड़ी बात बताई कि सब अच्छा चल रहा है, सब लगे हुए हैं, तू बाहर आएगा तो तू भी अपने बाप पर प्राउड फील करेगा जैसे कि मुझे तुझ पर है। वाह क्या शब्द थे अंकल के, सच में अंकल को मतलब ब्लॉगिंग में देखता हूँ तो लगते नहीं थे कि अंकल इस नेचर के होंगे, इतने ज्यादा मजाकिए होंगे, सच में मजा आ गया ये बात सुन के। फिर वहां पर एलविश यादव अंकल जी बात करते, फुकरा इंसान अभिषेक आके बैठ जाता है, फिर एलविश यादव पूछता है अंकल से, एलविश यादव अपने फादर से पूछता है कि आपका यहाँ सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है, तो अंकल ने क्या रिप्लाई दिया शुरू कि मेरे यहाँ सारे फेवरेट है, मुझे समझ में नहीं आता कौन, मेरे सारे ही बच्चे फेवरेट है, यहाँ पे सब अच्छा खेल रहे हैं, सब अपना गेम अच्छा खेल रहे हैं, मेरे इसलिए सारे ही फेवरेट है। तो एलविश यादव के फिर भी कोई एक तो होगा, तो बोली मेरे सारे फेवरेट है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया इस चीज का। अंकल बोलते हैं एलविश यादव से कि दुनिया सब देख रही है और कुछ एक्सपेक्टेशन भी रख रही है तेरे से, तो एलविश यादव पूछता है क्या, तो थोड़ी देर अंदर डिनाई करते हैं कि छोड़ो नहीं बताता हूँ। फिर बोलते हैं कि बस ट्रॉफी लेके आ जा, जीत जा तू, दुनिया यही कर रही है। और फिर बोलते हैं कि सब लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो तू बोल के आया था। एलविश यादव पूछता है मम्मी के बारे में कि मम्मी तो छोड़ के नीचे बैठ के देख रही होंगी, तो बोली हाँ वो देखती रहती है। अंकल ने बोला और बोला कि तू बाहर आ, तुझे बहुत प्राउड फील होगा मुझ पर। सो सच में मैं तो देख रहा हूँ बाहर से सारी चीजें, जैसे कि भाई कितने ज्यादा एलविश यादव के दिल्ली एनसीआर में पोस्टर लग रहे हैं, जगह जगह लव कटारिया और जो बाकी टीम है सारे मिलकर पोस्टर लगा रहे हैं जगह जगह, और गाड़ियों पर भी पोस्टर लग रहे हैं एलविश यादव के, सिस्टम। कुछ बात कुछ कन्वर्सेशन ऐसी चल रही थी एलविश यादव और फुकरा इंसान और अंकल के बीच में, तो अंकल बोलते कि ये कहावत है, मैं ये पूजा भट्ट के सामने, पूजा भट्ट जी के सामने बताऊंगा। और इसको क्यों बोला, फिर बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोली कि पूजा भट्ट जी जो है अच्छे से समझाती है, उनसे कुछ सीख। तो एलविश यादव सच में ही सीख रहा है, बिग बॉस में देख रहे पूजा भट्ट जो बोलती है, किसी को भी बोलती है तो वो लोग समझते हैं और काफी अच्छे समझाती है पूजा भट्ट मैम, मेरे को भी अच्छा लगता है उनका नेचर समझाना। और इस बार बिग बॉस मतलब ज्यादा लड़ाइया देखने को नहीं मिली है और शांति पड़ा था, एलविश यादव के आने के बाद ही बिग बॉस थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। तो अंकल ने सीधे बोला कि बड़ों से सीखो और एक्सपीरियंस लो यहाँ का भी। अंकल की सबसे अच्छी बात एलविश यादव के फादर की बात मेरे को सबसे अच्छी ये लगी, अंकल ने बोला कि जो भी यहाँ पर इस घर में छोटी छोटी बातें हुई है उसको तू यही छोड़कर आना, अपने साथ लेके मत आना, भूल जाना जो भी है। सच में बात बहुत अच्छी हो रही अंकल ने कि यार जो भी ग्रेजुएशन घर में लड़ाई इस घर में छोड़ के जाओ, और यार ये रियलिटी शो है, तो आप जिनको जानते नहीं ऐसे इंसान के साथ रहते हो। और अंकल ने एक बात ये भी बोली थी कि दुनिया में से आप 10 लोगों को ही चुना गया है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है अपने आपको दिखाने के लिए, बिल्कुल अच्छा लगा। तो इसी बीच मनीषा रानी के अंदर आके बैठ जाती है और क्या ही बात करूं कि मनीषा रानी, एलविश यादव और फुकरा इंसान और आशिका भाई तो चली गई है अभी,
और इनका एक ग्रुप हुआ करता था, वही ग्रुप है और ये ग्रुप में ही बात करते हैं। तो मनीषा रानी भी आगे बैठ जाती है तो बोलती है कि अंकल आप मुझे थोड़े खड़ूस टाइप के लगे। तो अंकल पूछते हैं खड़ूस टाइप किस टाइप से मतलब, तो अंकल समझाते हुए समझ में नहीं आता थोड़ा उसका माइंड। अंकल ये हरियाणवी में बोला था, मेरे को भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, कोई कहावत बोली थी उसका मैं हिंदू में समझा रहा हूँ कि रजाई को अपने डंडे में बांध के पीछे घूमती रहती है, ठंड लगती है मगर ओढ़ती नहीं हो। तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, अंकल ने यही बात बोली थी रहे थे। तो मनीषा ने क्या बात सुनो सर सुन ली, अब जी छोड़ो मान मेरी बात। गाना गा रही थी अनिश के लिए, बट वो कुछ रियल नहीं लगता मेरे को ये सब लगता है। और आप लोगों को भाई क्या क्या अच्छा लगा कल के एपिसोड में बिग बॉस के, तो भाई कमेंट डाउन करके अनिश आरव को जो जिताना चाहता है अनिश आरव आर्मी सिस्टम कमेंट से भर दे। और वीडियोस आती रहेंगी और रिगार्डिंग मैं देख रहा हूँ, मैं बिग बॉस देख रहा हूँ टाइम टू टाइम, ये जिसका भी मनपसंद शो है वो देखे कमेंट करे। और जो चैनल पे नए भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो जितना कर सकते हो। जल्दी कर दो लाइक, कर दो वीडियो को, बस बाय, लव यू।